19 तारीख और 20 तारीख को छठ पूजा है। आप सभी हमारे वार्ड में पधारे, आप सब सभी का बहुत वेलकम है, आप सभी का बहुत। श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति, भूमि पूजन, गंगानगर रोड नंबर 2, वर्धमान रोड, सिली, वार्ड नंबर 5। छठ पूजा से पूर्व भूमि पूजन का आयोजन। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। किया गया और इस पूजा का करने का क्या उद्देश्य है, आइए इसे विस्तार से हम जानते हैं। 5 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद के अलावा और तमाम पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित, तो जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं, TGNU01 द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स का शॉर्ट फॉर्म, इसे आप यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। आप सभी इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक पे, और अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सब पे छठी मैया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। धन्यवाद। ये भूमि पूजन के स्थान पर क्या बोलना चाहेंगे? छठ पूजा से पहले भूमि पूजन का क्या महत्व है? छठ पूजा से पहले भूमि पूजन का महत्व ये है कि आज से हम लोग छठ पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, और जितने भी मोहल्लावासी हैं और प्लस हमारी जो सिलीगुड़ी की जीवन रेखा महानंदा नदी है, इस नदी को साफ करना, घाट किनारे की जगह को सफाई करना और पर्यावरण के हिसाब से इसको आगे, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना, कोई भी नदी में गंदगी है और है सबको साफ सफाई करके पूजा के लिए, आज 10 दिन पूजा के बचे हैं, 10 दिन के लिए हम लोग सबको तैयारी करना। और साथ में एक चीज़ और है, जो गरीब व्यक्ति हैं, पूजा की इच्छा रखते हैं और पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उनको हर तरह की सहयोग करना, वो हमारी कमेटी का लक्ष्य है। उसके लिए हम लोग प्रस्तुत हैं, उनको वस्त्र प्रदान करना या पूजा की सामग्री प्रदान करना, डाला प्रदान करना, उसकी हमारी कमेटी ध्यान रख रही है। जो जो इस वार्ड के अंदर में जो जो व्यक्ति पूजा के श्रद्धालु हैं और पूजा नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक कारण से, उनको हमारी कमेटी मदद करेगी। मेरा नाम महेश अग्रवाल, मैं इस कमेटी का पिछले 10-11 साल से अध्यक्ष हूँ। भूमि पूजन का क्या महत्व होता है छठ पूजा के पहले? जी, सबसे पहले तो मेरे सिलीगुड़ी वार्ड वासियों और मेरे वार्ड वासियों को आगामी दीपावली, लक्ष्मी पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जैसा जानते होंगे, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे वार्ड में टोटल 8 कमेटियां पूजा करती है। उसमें भूमि पूजन करने के बाद, हनुमान जी का मन से याद करने के बाद हम लोग छठ पूजा का प्रारंभ करते हैं। आज जैसे खुटी पूजन होगा, उसके बाद पंडाल वगैरह बनना चालू होगा, और कमेटियां जिस तरह से दिन रात एक कर इतनी मेहनत कर छठ पूजा को ऑर्गेनाइज करती है, ये देखने के लिए बहुत भव्य आयोजन होता है। एक काउंसिलर के तौर पर आप क्या बोलना चाहेंगे सबको? देखिए, कमेटियाँ जिस तरह से इतने अच्छे तरीके से मेहनत करके इतने घाट को सजाती है, पूरे रास्ते को सजाती है, मतलब दुल्हन की तरह लगता है देखकर। तो मैं यही मेरे वार्ड वासियों को और सिलीगुड़ी वासियों को बोलना चाहूँगी कि 19 तारीख और 20 तारीख को छठ पूजा है। आप सभी हमारे वार्ड में पधारें, आप सब सभी का बहुत वेलकम है, आप सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। और यह दृश्य देखकर आप लोगों को वाकई में लगेगा कि छठ पूजा एक महापर्व है, जिसमें हम लोग तन, मन, धन, दिल सब लगा कर ये पूजा को मानते हैं, और हिंदुओं का ये तो महापर्व है। आप सभी जरूर से ज़रूर 5 नंबर वार्ड में पधारे। संतोषी नगर घाट हो, गंगानगर घाट हो, हरिओम घाट हो, हनुमान घाट हो, मुनि बाबा घाट हो या फिर नतुनपाड़ा घाट हो, सभी का दृश्य देखने लायक होता है। मैं यही बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।